वहीं इसराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए आसमान के बाद जमीन से संग्राम की तैयारी में है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इसराइल की सेना की तरफ से सबसे पहले जंगी हेलीकॉप्टर से हमला किया जाएगा और फिर इसके बाद इजरायली टैंक मोर्चा संभालेंगे। एक एक करके आपको बता रहे कि आखिर तैयारी किस तरीके से की गई है। इसके बाद दुश्मन के इलाके में आग बरसाएंगे। आप समझिए, बारूदी तबाही के बाद इजरायल की सेना बुलडोजर से हमास के ठिकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर देगी और फिर बाद में स्पेशल यूनिट कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसमें 41 किलोमीटर के इलाके में सेना घुसकर दुश्मन देश के जवानों को मार डालेगी।